हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा हम लोग एडमिशन का टॉपिक कर रहे हैं, एडमिशन का चैप्टर कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं एडमिशन के लिए। तो उसके अंदर आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल। उस टॉपिक का नाम क्या है? हिडन गुडविल। बेटा हिडन गुडविल नाम से क्लियर हो रहा है, हिडन का मतलब होता है छुपी हुई। मतलब कि क्वेश्चन के अंदर अगर आपको गुडविल स्पेसिफाई नहीं है, गुडविल का अमाउंट स्पेसिफाई नहीं है, तो उस केस के अंदर आप गुडविल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसी का टॉपिक आज हम करने वाले हैं। टॉपिक का नाम आपको जैसे बताया, टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल ऑफ फर्म। तो बेटा हिडन गुडविल एक्चुअल में होती क्या है उसको हमने समझना है। हिडन गुडविल एक्चुअल में क्या है? हिडन गुडविल का मतलब है डिजायर्ड कैपिटल ऑफ फर्म। मतलब कि नए पार्टनर से जो कैपिटल मांगी जा रही है उस हिसाब से हमारी फर्म की डिजायर्ड, यानी कि हम मान क्या रहे हैं कि हमारी कैपिटल क्या है, और उसमें से अगर हम अपनी एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर दें तो हमारी क्या आ जाती है? हिडन गुडविल। डिजायर्ड कैपिटल ऑफ फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म इज टर्म्ड एज हिडन गुडविल। मतलब कि मैं मानता हूं मेरी फर्म की कैपिटल जो है वो 2 लाख होनी चाहिए। मैं मान रहा हूं मेरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो कितनी है? वहां पे 1.5 लाख होनी कितनी चाहिए? 2 लाख। डिजायर्ड कितनी है वहां पे? 2 लाख, लेकिन एक्चुअल में कितनी है वहां पे? 1.5 लाख। तो जो डिजायर्ड कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल का डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? यहां पे हिडन गुडविल बोलेंगे बेटा, ठीक है। इसके अंदर जब भी हिडन गुडविल का क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन के अंदर कभी भी नया पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लेके आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? कि हिडन गुडविल के टॉपिक के अंदर कभी भी नया पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लेके आएगा। क्यों नहीं लेके आएगा सर? बेटा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गुडविल का अमाउंट ही स्पेसिफाई नहीं है, तो वो गुडविल कैश में कहां से ले आएगा? उसको उसका शेयर पता ही नहीं है कि कितना आएगा। तो उस केस के अंदर आपको हिडन गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? डिजायर्ड कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। Desired capital of the firm minus actual capital of the firm is termed as hidden goodwill. समझ रहे हो आप मेरी बात? अब यहाँ इसको मैं थोड़ा सा और स्पेसिफाई करता हूँ कि सर ये desired capital होती क्या है? Desired capital होती क्या है? तो इसको निकालने का तरीका क्या है बेटा? New partners capital multiply reverse of his share, multiply रिवर्स ऑफ हिज शेयर। ये आपकी क्या है? ये है आपकी डिजायर्ड कैपिटल। ये आपकी क्या है? डिजायर्ड कैपिटल। और एक्चुअल कैपिटल क्या होती है? एक्चुअल कैपिटल क्या होगी? टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस में आप करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इस तरीके से बेटा आप क्या निकालेंगे वहां पे? उनकी एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे। इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे वहां पे? हिडन गुडविल बोलेंगे बेटा। उसको हम क्या बोलेंगे? हिडन गुडविल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। डिजायर कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल का जो डिफरेंस है वो क्या है? हिडन गुडविल। इसको हम एक एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं बेटा। देखो ध्यान से, इसको अब हम एक एग्जांपल के हाथ से समझने का ट्राई करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके स्टेप्स लिख लेते हैं पहले। इसके स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ डिजायर्ड कैपिटल ऑफ फर्म। कैलकुलेशन ऑफ डिजायर्ड कैपिटल ऑफ फर्म मतलब कि वो कैपिटल को मान क्या रहे हैं, कि क्या कैपिटल होनी चाहिए हमारी। तो ये कैसे निकलेगी? ये आप लिखोगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई रिवर्स ऑफ हिज शेयर, मल्टीप्लाई रिवर्स ऑफ हिज शेयर। इस हिसाब से
फर्म की डिजायर्ड कैपिटल आ जाएगी। इस हिसाब से क्या आ जाएगी फर्म की डिजायर्ड कैपिटल, यानी कि वो जो मांग रहे हैं, जो वो मांग रहे हैं उस हिसाब से उनकी कैपिटल क्या होनी चाहिए। स्टेप टू में आप क्या करोगे, स्टेप टू के अंदर आप करोगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। फर्म की एक्चुअल कैपिटल क्या है वो कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे निकालेंगे बेटा, वो लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इसकी हेल्प से आपकी क्या आ जाएगी बेटा, एक्चुअल कैपिटल आ जाएगी। सर ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं बेटा, आपको बताया हुआ है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब होता है रिजर्व्स, पीएनएल, क्रेडिट बैलेंस, ये आपके क्या है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। एक्यूमुलेटेड लॉसेस के नाम क्या हो सकते हैं वहां पे, इसके नाम हो सकते हैं वहां पे पीएनएल डेबिट बैलेंस प्लस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट प्लस गुडविल। ये गुडविल कौन सी होती है बेटा, जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर हो रही है, इन सबको प्लस करना है। साथ ही साथ आप प्लस करेंगे इसके अंदर न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इससे आपकी क्या आ जाएगी बेटा, एक्चुअल कैपिटल आ जाएगी। इससे क्या आ जाएगी, एक्चुअल कैपिटल आ जाएगी आप। स्टेप नंबर थ्री आपको क्या परफॉर्म करना है, स्टेप नंबर थ्री, इसके बाद लिखेंगे स्टेप थ्री कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल ऑफ फर्म। फर्म की हिडन गुडविल क्या है वो कैलकुलेट करेंगे अब। ये कैसे निकलेगी, हिडन गुडविल का मतलब अभी आपको बताया, हिडन गुडविल इज इक्वल टू डिजायर्ड कैपिटल जो कि आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर निकाली, माइनस एक्चुअल कैपिटल जो कि आपने सेकंड स्टेप के अंदर निकाली। डिजायर्ड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल आपकी क्या आ जाएगी, हिडन गुडविल आ जाएगी बेटा। डिजायर्ड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल इक्वल टू क्या आ जाएगा, हिडन गुडविल। स्टेप फोर में आप क्या करेंगे, सर स्टेप फोर में क्या करना है बेटा, स्टेप फोर के अंदर आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल। गुडविल के अंदर नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट होगा सर, आपको क्या करना है बेटा, आपको लिखनी है हिडन गुडविल मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर्स शेयर। इससे आपकी क्या आ जाएगी, नए पार्टनर की गुडविल आ जाएगी। स्टेप फाइव में आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। फर्स्ट होगी आपकी वो कैश में क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा, तो आप एंट्री पोस्ट करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे क्या आ जाएगी, नए पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगी यहां से। नंबर दो पे आप जनरल एंट्री क्या करोगे बेटा, नंबर दो पे आप जनरल एंट्री करोगे गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। वो आपको पता ही है, जो भी वहां पे सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट करना है, जो नया पार्टनर होगा उसको क्या करना है डेबिट। गुडविल के लिए आप एंट्री पोस्ट करेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे क्या आ जाएगा, शेयर ऑफ
गुडविल। बेटा ये सेम तरीका वही है, ये सेम तरीका एंट्रीज का वो है कि अगर वो गुडविल को कैश में नहीं लेके आता, वो वाले केस की आपको जनरल एंट्रीज करनी है। ये आपका टॉपिक था हिडन गुडविल का, ये आपका टॉपिक था हिडन गुडविल का बेटा, जिसको आपको क्लियर करना था। हिडन गुडविल का मतलब सिंपली आपको क्या समझाया मैंने कि जो उनकी डिजायर कैपिटल है उसमें से एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर दिया जाए, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो एक्सेस ऑफ डिजायर्ड कैपिटल ओवर एक्चुअल कैपिटल इज टर्म्ड एज हिडन गुडविल। मतलब कि डिजायर कैपिटल जो है वो एक्चुअल कैपिटल से जितनी ज्यादा है वो हिडन गुडविल है। वो क्या है? हिडन गुडविल है बेटा, ठीक है। एक एग्जांपल के हेल्प से हम इसको करने का ट्राई करते हैं, चारों के चारों स्टेप्स हम इसके फॉलो करेंगे, सॉरी पांचों स्टेप्स, पांच के पांच स्टेप आपको फॉलो करवाए जाएंगे। एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल को सुनो ध्यान से। देखो बेटा क्वेश्चन कहता है, कहता है सलोनी एंड सृष्टि आर, सलोनी एंड सृष्टि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। देयर कैपिटल्स वर रुपीस 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट अदिति ऑन 1 अप्रैल 2017 एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। अदिति गॉट रुपीस 1 लाख एज अ कैपिटल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर अबव ट्रांजैक्शन ऑन अदिति's एडमिशन। क्वेश्चन में बेटा अभी आपको बता देता हूं मैं क्या बोल रहा है। वो कहते हैं सलोनी और सृष्टि पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। इन्होंने एडमिट किया अदिति को, एडमिट किया किसको? अदिति को। कितने शेयर के लिए एडमिट किया इन्होंने? 1/6 शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। उसके बाद अदिति कैपिटल कितनी लेके आएगी? अदिति कैपिटल लेके आएगी 1,00,000 रुपए। अदिति कैपिटल कितनी लेके आएगी? 1,00,000। सृष्टि की और इसकी कैपिटल कितनी ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? सृष्टि की कैपिटल है बेटा 2,00,000, सॉरी सलोनी की कैपिटल है 2,00,000 और सृष्टि की कैपिटल है 1.5 लाख। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। वो ये बोल रहा है कि आप मेरे को इसकी हेल्प से गुडविल निकाल के दिखाएं और उसकी जनरल एंट्रीज करके दिखाएं। क्वेश्चन के अंदर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, पुराने पार्टनर्स की रेशियो भी दे रखी है और आपसे जनरल एंट्रीज और हिडन गुडविल पूछ रहे हैं। जैसे जैसे आपको बताया वैसे वैसे स्टेप करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डिजायर्ड कैपिटल ऑफ फर्म, कैलकुलेशन ऑफ डिजायर्ड कैपिटल ऑफ फर्म, इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई रिवर्स ऑफ हिज शेयर, रिवर्स ऑफ हिज शेयर। ये आपको फॉर्मूला लगाना है बेटा। अदिति जो है इसका शेयर कितना है? 1/6 और उसकी कैपिटल कितनी है? 1,00,000। तो उसकी नई पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 1,00,000 मल्टीप्लाई उसका शेयर क्या है? 1/6। 1/6 का रिवर्स क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल क्या होगा? 6/1। तो उनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी बेटा? 6,00,000 रुपए उनकी कैपिटल हो जाएगी। उनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 6,00,000। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कैपिटल ये हमारा सेकंड स्टेप था। इसके अंदर आपको क्या करना था? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये आपको फॉर्मूला लिखवाया मैंने। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल 1 की है 2,00,000, 1 की है 1.5 लाख, तो उनकी कैपिटल कितनी हो गई? 3.5 लाख। बेटा पुराने पार्टनर की कैपिटल थी 2,00,000 और 1.5 लाख, कितनी हो गई? 3.5 लाख रुपए। प्लस नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 1,00,000। नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 1,00,000। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल
2 लाख + 1.5 लाख यानी कि 3.5 लाख प्लस नए पार्टनर की कैपिटल 1 लाख, कितना हो गया टोटल 4.5 लाख प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या है 0 माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या है 0। तो उनकी कैपिटल कितनी हो गई, एक्चुअल कैपिटल 4.5 लाख रुपए। बेटा असल में उनकी कैपिटल तो है कितनी 4.5, और वो मांग कितना रहे हैं उससे 1/6 शेयर के लिए उससे मांग रहे हैं वो 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या है कि वो ये मान रहे हैं कि हमारी कैपिटल जो है वो कितनी है 6 लाख रुपए, हमारी कैपिटल कितनी है फर्म की 6 लाख। इसी हिसाब से तो उसके छठे हिस्से के लिए उससे कितना पैसा मांगा जा रहा है 1 लाख रुपए, लेकिन एक्चुअल में उनकी कैपिटल तो सिर्फ कितनी है 4.5। तो उनकी हिडन गुडविल क्या होगी बेटा, उनकी हिडन गुडविल क्या होगी, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। ये मैंने आपको बताया कि स्टेप 1 का आंसर जो भी आया यानी कि डिजायर्ड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, डिजायर्ड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, डिजायर्ड कैपिटल कितनी है 6 लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल कितनी है उनकी 4.5 लाख। तो बेटा फर्म की हिडन गुडविल कितनी आ गई 1.5 लाख, फर्म की हिडन गुडविल कितनी आ गई 1.5 लाख। इसके बाद आपको क्या करना है स्टेप नंबर फोर के अंदर आपको क्या करना बेटा, स्टेप फोर इसके अंदर हमारे को निकालना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल। गुडविल के अंदर उसका शेयर कितना है ये आपको लिखनी है हिडन गुडविल, मल्टीप्लाई करना है आपको न्यू पार्टनर्स शेयर के साथ। हिडन गुडविल कितनी आई 1.5 लाख, हिडन गुडविल कितनी आई 1.5 लाख, तो यहां पे लिखेंगे 1.5 लाख मल्टीप्लाई नए पार्टनर का शेयर कितना था 1/6, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 से, तो इसको कट करो बेटा 6 × 3 = 12, 6 × 5 = 30, तो दैट मींस 25,000 रुपीज उसका शेयर ऑफ गुडविल आ गया। अब फिफ्थ स्टेप के अंदर आपको क्या करनी थी जर्नल एंट्री, इसके बाद आपको क्या करनी है जर्नल एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू अदितिस कैपिटल अकाउंट, टू अदितिस कैपिटल अकाउंट कितनी कैपिटल आई वो 1 लाख, ये जनरल एंट्री हो गई बेटा। इसके बाद नंबर 2 पे एंट्री करनी होती है आपको गुडविल की। मैंने अभी आपको समझाया कि अगर हिडन गुडविल का टॉपिक होगा तो उस केस के अंदर नया पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लेके आएगा, नया पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लेके आएगा। तो AS 26 ने हमारे को बताया था, AS 26 ने हमारे को बताया था कि करंट अकाउंट को, नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करना है। दैट मींस मैं क्या करूंगा, अदिति के करंट अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, अदिति करंट अकाउंट डेबिट कितने से 25,000, टू किसको क्रेडिट करूंगा सलोनी को, टू सलोनीस कैपिटल अकाउंट और टू सृष्टिस कैपिटल अकाउंट। अब सर इसको बांटेंगे कैसे, 25,000 को बांटेंगे कैसे, सर आपने सिखाया था क्वेश्चन के अंदर अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना दे रखी हो और नई रेशियो भी ना दे रखी हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो क्वेश्चन के अंदर अगर गिवन नहीं होती तो उनकी ओल्ड रेशियो को ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। तो यहां पे क्या है, उनकी ओल्ड रेशियो है 7:3, तो यहां पे इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी 7:3। तो हमें क्या करना है 25,000 को डिवाइड करना है 10 पार्ट्स में, तो डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट कितने का आ गया 2500 का, एक पार्ट कितने का आ गया 2500 का। आपको सलोनी को देने हैं 7 पार्ट, तो 2500 इनटू में 7 0 0 5 3 1 7 1 7 5 0 0, इसको दे दें सृष्टि को 3 पार्ट, तो एक पार्ट 2500 का है, 3 पार्ट हो जाएंगे 7500 के। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है बेटा। ये पांचों स्टेप आपके 4 नंबर के हैं, ये पांचों स्टेप आपके कितने नंबर के हैं 4 नंबर के हैं,
चार नंबर का आपको इसमें से क्वेश्चन मिल सकता है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा बेटा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेरे को बता देना, हम उसको और थोड़ा क्लैरिफाई कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।